Hey guys, what's up and welcome back to a new episode of the Sifu. So last episode में अपन the club के end में पहुंचे थे, वहाँ पे जो अपना second boss fight था, the fighter, वो अपन ने start किया था. तो आपने उसके second phase तक देखा होगा, but अपन ने अभी तक उसे हराया नहीं है. तो आज के episode में हम सीधा second phase से ही start करेंगे. First phase तो last episode में आपने देखा था अपन ने कैसे take down किया था. Second phase थोड़ा और intense है, उसके combos वगैरह और लंबे हो जाते हैं, अपन को सब एकदम करेक्ट dodge करना पड़ता है. So let's start. You're almost as good as Yang. I thought he was unchallenged at that old bastard's school. Who are you? A ghost from your past, here to put an end to this sideshow. You picked the wrong person to haunt. अरे यार, इसके इतने सारे मूव्स हैं, समझ भी नहीं आते कि कौन सा करने वाला है. वो अभी समझ में आएगा तभी तो डॉच करूंगा मैं. Stubborn as our elder masters. ओए, ये क्या था? Okay, that worked. नहीं अरे यार, ये एक्स्ट्रा मूव कहां से निकाल के ला रहा है ये. कितनी लाइफ बची उसकी अपने? मुझे लग रहा है और तीन रिवाइव. हाँ, तीन रिवाइव बचे होंगे. और नाउ आई अंडरस्टैंड हाउ यू वर एबल टू डिफीट द म्यूट. अरे नहीं, ओके, दैट वर्क्ड. नहीं दिख नहीं रहा मुझे पीछे, अब ठीक है. आहा, इसका हेल्थ पूल बहुत ज्यादा है, पहले बहुत जितना बिल्कुल नहीं है. इतने पटके मारने के बाद भी Yeah.
यार, सो क्लोज। मैं सब कर रहा हूँ एंड एंड में मूव्स इसके। As stubborn as our elder masters. क्या कर रहा है ये, अपने कॉम्बोस कंटिन्यू क्यों नहीं कर रहा है, मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है। बीच में भी पीछे हट जा रहा है ये। अबे अभी इसने कॉम्बो कंटिन्यू किया तो एंड में एक एक्स्ट्रा अटैक निकाल लिया। फाइनल नहीं। अबे भाई इतना क्लोज था, उसकी लाइफ खत्म थी। मैं उसके पोस्चर बिगाड़ने की कोशिश कर रहा था बट आई गेस मुझे उसके लाइफ पे फोकस करना चाहिए मोर, है ना। तो गाइज अपन सेकेंड बॉस के पास, द फाइटर के पास वापस पहुंच चुके हैं। ये सीधा उसका सेकेंड फेज में स्टार्ट करने वाला हूँ। अगर मैं मेरे टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स गिनूं तो 9 या 10 के आसपास हो चुके हैं। मुझे सेकेंड वाला बॉस फर्स्ट के कंपैरिजन में काफी टफ लगा। सो स्टार्ट करते हैं। अभी एट द मोमेंट अपनी एज 29 है, तो जो बचे हुए नॉर्मल लेवल है वो मैंने काफी अच्छे से पार कर लिया था। जब मैं इसके पास पहुंचा था तो मेरी एज कुछ 26 या 27 थी एंड इसके फर्स्ट फेज में बस मैं एक ही बार मरा था। तो अब सेकेंड फेज है जिसमें ये मतलब काइंड ऑफ अपर स्विंग्स एंड लोअर स्विंग्स दोनों कंबाइन करके मारता है, तो इसे रीड करना थोड़ा सा टफ है। तो थोड़ा अपन को ध्यान देके करना पड़ेगा, हो जाएगा। कट सीन चलने देता हूं। चलो You're almost as good as Yang. I thought he was unchallenged at that old bastard's school. Who are you? Have you not figured it out by now? Enough games. Let's put an end to this show. नहीं यार, एक मूव था जो मैं लेना चाहता था। क्या नाम था उसका, जो अपन मतलब लेटे लेटे भी अपन अगर जब हाँ ये वाला अपन अगर करेक्ट टाइप पे काउंटर करे तो काउंटर कर सकते, ग्राउंड काउंटर। As stubborn as our elder masters. यार फालतू के अटैक्स खा गया। ये बात, ओ भाई एम कर रहा हूं, अगर अंडर 50 इसको हरा सकता हूं तो अगले लेवल पे जाने के अपने पास कुछ रहेगा, नहीं तो सीन ही होगा। अगर अपनी एज बहुत ज्यादा हो गई ना तो अगला लेवल वही एज से स्टार्ट होता है, तो मुझे ये वापस तो करना पड़ेगा ही, बट एक बार इसको एटलीस्ट हरा लिया तो अच्छा रहेगा। Yeah.
ओ भाई कितना भी अपने एज 41 एंड इसके ही एचपी आधी हुई है. As stubborn as our elder masters. इसका जो अंडरग्राउंड स्वीप है ना वो दिक्कत देता है मुझे. पूरी लाइफ में खा जाए एटलीस्ट इसे एक बार तो भी हराना है. उसके बाद फिर मैं बाद में ट्राई करके कम एज में हरा लूंगा. अभी तक इसको एक भी बार हरा नहीं पाया मैं. Come on, let's do this. Oh boy, finally. सर चौपट करते हैं उसको उसी के डंडे से. पहले वाले को भी उसी के वेपन से मारा था अपन ने. या मेरी एज लेकिन बहुत ज्यादा हो गई 54. मुझे एटलीस्ट ये वाला लेवल 35 के अंदर करने का ट्राई करना चाहिए. स्टार्ट अपना 21 से होता है. मैंने फर्स्ट लेवल पूरा ट्राई किया वापस किया 21 तक मैंने कंप्लीट कर दिया फर्स्ट लेवल. यानी कि बस मैं बस एक बार मरा था वो भी वो बॉस फाइट के टाइम पे. वो भी मैंने कुछ गलती कर दी थी नहीं तो मैं मरता ही नहीं उसमें भी. उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी. एनीवेज अगला लेवल थोड़ा सा चेकआउट करते हैं. बाकी नेक्स्ट एपिसोड में आने से पहले मुझे क्लब में वापस खेलूंगा एक दो बार एंड ट्राई करूंगा थोड़ा सा अपना एचपी ओवरऑल कम करने का. ओके क्या लिया जाए. ग्राउंड काउंटर एक अपन ले सकते हैं या फिर चेसिंग स्ट्राइक मैक्स इज टू अनलॉक 49. अच्छा 49 के बाद उसे अनलॉक नहीं कर सकता. दैट्स ऑल. कुछ चीजें पता नहीं ऐसा क्यों है कि एज लिमिट के बाद अनलॉक नहीं कर सकते. तो एक और बार करूंगा ये परमानेंट अनलॉक हो जाएंगे इसलिए उसको ही कर लिया मैंने. जो अपना ग्राउंड काउंटर है वो म्यूजियम. ओके यहाँ पे देखो दो कीज मिली क्लब में. टोटल तीन कीज है. यहाँ के जो टू कीज थे वो अपन को दोनों मिल गए. क्लब के बाकी दोनों कीज मिसिंग है. पता नहीं कहाँ से मिलेंगे. तो वापस मैं जब प्ले थ्रू करूंगा तो अगर ये कीज मिली एंड वहां से कुछ ऐसा ऑप्शनल बॉस फाइट या साइड बॉस फाइट कुछ निकल रहा है तो वो मैं आगे आने वाले एपिसोड में रिकॉर्ड करके जरूर डालूंगा. अभी अपन फिलहाल थोड़ा सा म्यूजियम एक्सप्लोर करते हैं कि ये लोकेशन कैसा रहने वाला है. मतलब मैं उस तक पहुंचा था एज 26 या 7 पे और मुझे 54 एज का हो गया उसे हराते हराते. वो भी इसके सेकंड फेज में. फर्स्ट फेज में मैं बस एक ही बार मरा. एवरीवन गेट इनटू पोजीशन. इट वाज फूलिश ऑफ यू टू कम हियर. नर्व्स गेट द बेटर ऑफ यू. ओ भाई
टाइमिंग स्लो है थोड़ी उनकी अटैक की. मैं पहले डॉज मार रहा हूँ. इनको पहले से पता था कि अपन आ रहे थे यहाँ पे. ऑलमोस्ट सारे एनिमी अलर्ट होने वाले मुझे लग रहा है. ओह एलिवेटर पक्का शॉर्टकट होने वाला है, बाद में खुलेगा. हैं ओ वहां से ये दोनों कीज अपन को बाद में मिलेंगे. क्यों मिला कुछ? अबे ओए मैं डॉज किया था, थोड़ा सा स्लो हो गया. You should have stayed down. ओह, टकला बोल दिया इसका. Be around here. Got eyes on him. I pity you. Oh boy, oh boy. Okay. यहाँ के एनिमीज थोड़े और टफर है, ज़्यादा हिट्स खा रहे हैं ये भी. ऑब्वियस है वो तो, जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा एनिमीज ज़्यादा हार्ड होते जाएंगे. एंड दिस इज जस्ट थर्ड लेवल, इसके अलावा और दो बॉसेस है गेम में. नहीं अभी पीछे से This seems like a mini boss. You're the one that took down Sean. Oh, double mini boss. Suffer for dishonoring him. Are lol. Okay guys, so I think this is a nice spot to wrap up the episode. अब मैं क्या करता हूँ, level 2 जो club है उसे मैं grind करूँगा and we will try to get a lower age something in 30s वगैरह. उसके बाद अपन ये वाला museum area continue करेंगे. So अगर आपको आज का episode अच्छा लगा हो तो like कर दीजिए and see you guys in the next episode. Till then take care and bye bye.